स्टार विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की। इस समय की सबसे बड़ी खबर जबलपुर से आ रही, जहां महापौर के नाम पर फेंकी काली स्याही कांग्रेसियों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। महापौर के द्वारा भाजपा ज्वाइन करने पर कांग्रेस में जमकर आक्रोश। कांग्रेसियों ने महापौर के बंगले पहुंचकर फेंकी स्याही। कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने कहा कि महापौर की यही औकात है। महापौर बहुत जल्दी भाजपा से भी लात मारकर निकाला जाएगा। जबलपुर से गगन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वो औकात दिखा दी उसने, तो ये इसकी औकात है। ये वहां पे भी यही औकात दिखाएगा। बहुत जल्दी वहां से भी लात मार के भगाया जाएगा। कौन कौन से शशांक शेखर? अच्छा, वकील रहे, नेता ऐता नहीं थे कोई? वो क्या लगता है भविष्य में, ये तो अपने पदत के लिए कांग्रेस में कहाँ थे? भविष्य में लगता है कि कांग्रेस के और नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं, जबलपुर की अगर बात करें? हमने क्या किया, सच्चा कांग्रेसी हमेशा कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ रहेगा। जो इधर उधर होने वाले लोग हैं वो इधर उधर होते रहेंगे। अभी कांग्रेस की सरकार आएगी तो कई भाजपा इधर आ जाएंगे। क्या होता है जब सत्ता में चलते हैं तो लोग बहाव में बहने वाले कई लोग हैं, बहाव के विपरीत बहुत कम लोग बहते थे, तो यहाँ कांग्रेस ही खड़े। अभी वो नहीं हो रही, अगर कांग्रेस की छवि धूमिल हो रही तो महापौर नहीं जीतता, कांग्रेस को दिया। ये व्यक्ति की छवि धूमिल होती है और इनका चरित्र है। देखिए, अभी हमारे जो वरिष्ठों से चर्चा हुई है, आने वाले समय में हम लोगों ने मांग की है कि जो ये बंद कमरे में ऐसे नुक्तियाँ होती है तो उसका यही हर्ष होता है। इसलिए आने वाला नगर अध्यक्ष और जो नेता प्रतिपक्ष नगर निगम का बनेगा, वो शहर के सारे वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके हमारे वरिष्ठ बनाएंगे, ठोक बजा के बनाएंगे, तभी रहता ही। ऐसे बहरूपियों को चुपचाप बना दो, इनको अहमियत नहीं रहती है। जबलपुर शहर की जनता के जनमत का अपमान करने वाले कांग्रेस के हमारे महापौर ने जो अपमान किया है जबलपुर शहर की जनता के जनमत का, उसको लेकर के पूरा शहर उद्वेलित है, आक्रोशित है। उसको लेकर के आज हमने यहाँ पर कालिक पोती है और भारतीय जनता पार्टी की इस खरीद फरोख की राजनीति को यहाँ पर जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो चुका है। भारतीय पार्टी जिन लोगों को दबा नहीं पाती है, जिनकी आस्थाओं को नहीं तोड़ पाती है, उन्हें ईडी से, सीबीआई से, लोकायुक्त से, ईओडब्ल्यू से और जांच एजेंसियों से दबाने की कोशिश करती है। इसका उदाहरण झारखंड है, इसका उदाहरण दिल्ली है, इसका उदाहरण महाराष्ट्र है, इसका उदाहरण मध्य प्रदेश है। और आज जबलपुर में चंद रुपयों के खातिर हमारे महापौर को भी आपने खरीदने की कोशिश की है। उनका जमीर बिक सकता है, लेकिन कांग्रेसियों के अंदर का हौसला, उनके खून को आप नहीं खरीद सकते। कांग्रेसियों के अंदर आज भी वो खून मौजूद है कि वो गोरों से लड़ा करते थे और देश को आज़ादी दिलाई थी, और आज हम उन चोरों से लड़ने का काम कर रहे हैं जो देश में राज कर रहे हैं। अगर इधर हमारी जान भी जाती है तो हम उसके लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं। क्या वजह की दो गुटों में अलग अलग प्रदर्शन को ग्वारी घाट में पूरे लोग हम लोग ग्वारी घाट से तर्पण करने के बाद इस कार्यक्रम को भी करने के लिए यहाँ पे आए हैं। कुछ हमारे प्रेस के साथियों को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था, इस वजह से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को भी जल्द से जल्द यहाँ पर किया है। कहीं कोई गुट में, कोई दो भागों में नहीं है, सब लोग हम लोग एक हैं। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नगर निगम के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का सफाई व्यवस्था में होर्डिंग में भ्रष्टाचार को लेकर के उनका नाम FIR होने वाली थी उनके खिलाफ में, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उनके ऊपर दबाव बनाया कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी में को शामिल होइए और कांग्रेस का महापौर के पद को त्यागो, अन्यथा हम आपके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करेंगे। उस डर में और पैसों के खातिर उन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आज महापौर कांग्रेस पद छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का महापौर के रूप में उन्होंने सदस्यता ली है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं।